उनके हम एक बात कहल चाहतनी कि वो जैसे कह देने कि अगर ए बार उनकर सरकार आ गई तो महाराज जी के जेल में डाल दी, लेकिन ये तो फिक्स बात की बार बीजेपी की सरकार आई यूपी में, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार आ गई तब फिर वो ना बच पाई हैं, उनके जाए पड़ी जेल में, और जेल के साथ साथ उनके साथ बहुत कुछ हो सकेला। उनके ये बात बोले से पहले 100 बार सोचल चाहता कि क्या बोलते और केकरे बारे में बोलते हैं। अच्छा तो तीनों वैसे तो कहते हैं भाई कि चले जाएंगे मोदी जब पहाड़ पे, योगी जी मठ में, तो कहाँ जाओगे तुम लोग? धमका रहे हैं कि कहाँ जाओगे तुम लोग, अरे तुम लोग कहाँ जाओगे, संत समाज कहाँ जाएंगे, अरे तुम्हारी हैसियत है, तुम किसी को ही भेज सकते हो? आप यदुवंशी हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन अपनी सरकार में किस मंदिर में आप जा करके जो है एक दिन घंटा बजाया आपने, जरा एक मंदिर का नाम बता दीजिए। जो श्री कृष्ण जी सपने में आए उसका क्या सर? अरे हम भी तो कह रहे हैं, हमारे सपने में विष्णु भगवान आए थे और बोल रहे हैं कि नहीं योगी जी आपके मतलब जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं, हम उनको बना दिए हैं, 300 पार उनका इस बार ऐतिहासिक जीत होनी है उनको, इसको इस बार उनको कोई हरा नहीं पाएगा, और अखिलेश उखिलेश कोई ऐसा कोई बात नहीं, उनके सपने अपने में कोई नहीं आया, वो ऐसे झूठे बोल रहे हैं, तो हम भी ये बात कह सकते हैं ना? हम लोग कहते हैं जो संतों की बात ना माने वो पीछे पछताए, जिस जिस रास्ते गुजरे तिस तिस जूते खाए। कुरान में कहा गया है नमक हरामी कभी नहीं, और मैं ये जानता हूँ कि जो कट्टर मुसलमान होगा और उसने अगर योगी जी मोदी जी से लाभ लिया है तो वो बीजेपी को वोट करेगा, 100% करेगा। जय जय श्री राम। यादव के दम होकर तो हमें गोरखपुर में लड़ लें, आवे गोरखपुर में लड़ लें अखिलेश यादव, गोरखपुर नहीं गोरखपुर वांचल के कोनो सीटिया पे लड़ के दिखावे। जब आलू डाल के सोना निकाल रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, उनका क्या करना है? भाई कि हिंदुत्व की जरूरत क्या है इस देश में, जब हिंदू तो है ही वैसे। वो तो खुद यहाँ का नहीं है तो क्या कर सकते हैं? हिंदू आदि है, अनादि है, अनामय है, हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा, ठीक है। हिंदुत्व को मिटाने वाला कोई आज तक न पैदा लिया है न लेगा। बाबरी मस्जिद भी बनाने की बात हो रही थी, बाबरी मस्जिद जहाँ बने के रहा, जहाँ बने के बाद उनके दिया गई बा, उसे ढेर उनके ना ही मिली, लगत बाकी बहुत कम जगह है उनके 2 एकड़ जमीन के बदले 5.5 एकड़ मिलत बा, हाँ 5.5 एकड़ कहे 5 एकड़ और मिली, उसे ढेर चाहिए और मिली, वहाँ नहीं बनी, कब्बो नहीं बनी, आवे कटोरा लेके विष्णु मंदिर के सामने बैठे तब्बो नहीं बनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंदी और मैं हूँ आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। लगातार हम जिस तरीके से आपको चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं, जमीनी की हकीकत टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो किसको चाह रही है। अगर इस बार चुनाव की बात की जाए तो हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा सबसे ज्यादा उठा है, सनातन धर्म को लेकर भी सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए गए हैं, और इसी को लेकर ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर जो संत समाज है उत्तर प्रदेश के वो क्या सोचते हैं। इस वक्त हम गोरखपुर के एक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर तमाम संत समाज के लोग हमारे साथ, तमाम पंडित जी लोग मौजूद है जो बताएंगे कि आखिर योगी राज में क्या संत समाज आज सुरक्षित है, किस तरीके का विकास जो है संत समाज के साथ हुआ है, और जो सनातन धर्म पर सवाल खड़े करते हैं, जो विपक्षी पार्टी की बात की जाए, कुछ नेता की बात की जाए, उन पर इनकी क्या है राय। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम पंडित उत्कर्ष तिवारी है जी। आप ये पंडित जी हैं कि अभी छात्र? नहीं, मैं अभी छात्र हूँ जी। इस बार किसकी सरकार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जी? हम तो बीजेपी को वोट देते हैं शुरू से, और हमें 100% गारंटी है कि इस बार भी बीजेपी की सरकार आएगी और महाराज जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, और लोग चाहे कुछ भी कहें, चाहे कहने वाले कुछ भी कहें, इस बार पूर्ण बहुमत से महाराज जी की सरकार बननी है, ये तय है, भाजपा तय है इस बार, इसको कोई काट नहीं सकता। और कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं, और देखिए अगर बात करें संत समाज की तो कई लोगों का कहना है कि अगर इस बार हमारी सरकार आती है तो हम इनको जेल में भिजवा देंगे या फिर महाराज जी को। चंद्रशेखर के आप बयान की बात करें, उन्होंने कल ही कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो योगी जी जेल में जी। हम उन्हीं की बात करते नहीं, तो अगर हम उनके हम एक बात कहल चाहता नहीं कि वो जैसे कह देने कि अगर ए बार उनकर सरकार आ गई तो महाराज जी के जेल में डाल दी, लेकिन ये तो फिक्स बात की बार बीजेपी की सरकार आई यूपी में, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार आ गई तब फिर वो ना बच पाई हैं, उनके जाए पड़ी जेल में, और जेल के साथ साथ उनके साथ बहुत कुछ हो सकेला। उनके ये बात बोले से पहले 100 बार सोचल चाहता कि क्या बोलते हैं और केकरे बारे में बोलते हैं, तो लोग अपन जौन बा हैसियत भूल गई बा, तो वो हैसियत याद दिलावे खातिर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार यूपी में आवता और फिर से गुंडा राज खत्म हुई, और ए बार केहू के भी गुंडाई ना चली, और अगर लोग कहता तो एमे कोनो लोग कहले पर कुछ ना हो, बीजेपी तय है इस बार।
योगी जी गोरखपुर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, एक बात बताइए, चंद्रशेखर जी ने कल ये भी कहा था कि बहुत सारे दंगों में योगी जी का ही हाथ था, हिंदू मुस्लिम करने में योगी जी का ही हाथ था, इसीलिए जब हमारी सरकार आएगी तब वो जेल में जाएंगे। ये बात जो कह रहे हैं वो पहले इतिहास तो देखें, वो देखो कि क्या भइल बा, केकरे सरकार में क्या भइल बा, उनको कुछ पता तो है नहीं, और वो बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, इस बार बीजेपी की सरकार में दंगे हुए ही नहीं है, और लोग महाराज जी को बदनाम करने के लिए अगर कुछ कहते भी हैं तो ये सारी बातें गलत है, एकदम नाजायज है, बिल्कुल गलत है, और लोग अपने दंगा करके किसी को बदनाम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। योगी राज में संत समाज आज सुरक्षित है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और अगर ये बताइए, एक तो पहले इनकी इनकी हैसियत तो देख लीजिए, एक तो हिंदू राष्ट्र में रहते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये कहाँ जाएंगे, संत समाज कहाँ जाएंगे, अरे तुम्हारी हैसियत है, तुम किसी को ही भेज सकते हो, यहाँ जब हिंदू राष्ट्र है, एक तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र में रहते हुए और तुम हिंदुओं के बारे में गलत बोल रहे हो, हिंदू राष्ट्र है ये। वैसे तो कहते हैं भाई कि चले जाएंगे मोदी जब पहाड़ पे, योगी जी मठ में, तो कहाँ जाओगे तुम लोग? अरे भाई महाराज जी के, योगी मोदी जी के मठ पे जाने से पहले और पहाड़ों पे जाने से पहले उनका क्रियाकलाप हो जाएगा, वो जो बहुत बोल रहे हैं ना कि इनके जाने के बाद क्या होगा, अभी देख लें, बस इस बार सरकार आ जाए उसके बाद देखें उनका क्या होता है, ये देखिए उनके कहने से कुछ नहीं होता है, वो यहाँ हिंदू राष्ट्र में रह के और धमका रहे हैं कि कहाँ जाओगे तुम लोग, अरे तुम लोग कहाँ जाओगे, ये उनको सोचना चाहिए, ये बात उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो कहाँ है और क्या। तो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, मुख्यमंत्री एक विधायक ही नहीं जीत सकते हैं, वो मुख्यमंत्री बनने की बात छोड़ दीजिए, क्या कहेंगे, इस बार किसकी सरकार देख रहे हैं? मोदी की सरकार और बीजेपी की सरकार। मोदी जी कहाँ, प्रदेश में योगी जी? प्रदेश में हमने बताया बीजेपी की सरकार है? तो योगी जी हैं यहाँ पे। कहा जाता है कि योगी जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं? नहीं, ऐसा गोरखपुर में बिल्कुल उन्होंने नहीं किया, आप जाके गोरखनाथ में देखिए, आज गोरखनाथ मेला जो खिचड़ी मेला चल रहा है उसमें 50% जो दुकानें हैं वो मुस्लिमों की हैं, तो ये बताइए वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम वो कहाँ करते हैं, आप पहले वहाँ पे देखिए, ग्राउंड पे जाके देखिए ना, वहाँ पे तो मुस्लिमों की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, हिंदू भाई यहाँ पे मिल के रहते हैं, गोरखपुर में ऐसा कुछ नहीं है, और कोई क्या कहता है वो अपने नाम या फेम के लिए अगर कहना चाहता है तो वो कहे, तो उसमें कोई रोक नहीं सकता है। योगी जी के सरकार से हम लोग पूरी तरीके से खुश हैं, यहाँ पे भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिल के रहते हैं, वो ब्राह्मण हो या दलित हो सब एक साथ रहते हैं यहाँ पे, यहाँ पे दलित भी आते हैं, यहाँ पे हम लोग ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी आते हैं, छत्री भी आते हैं, सब आते हैं यहाँ पे, योगी जी सबको लेके चलते हैं। आगे जाके मुसहर जाति उसका देखिए कितना उन्होंने विकास किया, गरीबों के लिए उन्होंने किया, मकान बना के दिया, शौचालय बना के दिया, अन्न दे ही रहे हैं, अब क्या चाहिए? खाली संत के नाम पे तो ऐसा नहीं कि वोट दे रहे हैं आप उनको? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, योगी जी विकास किए हैं, गोरखपुर के लिए विकास किए हैं, मैं चाहूँगा कि आप इस रोड को दिखाइए, आज से 5 साल पहले ये रोड पतला सा रोड हुआ करता था, आज देखिए 4 लेन का रोड बना हुआ है, ये विकास नहीं है तो क्या है? जिस गोरखपुर में बिजली 24 घंटे में 18 घंटे आती थी, आज 24 घंटे यहाँ पे बिजली मिल रही है, ये विकास नहीं है तो क्या है? संत समाज सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन कालीचरण जी तो जेल में हैं, ये देखा जाए यति नरसिंहानंद सरस्वती आज जेल में, देखिए वो जेल में है, उनके ऊपर फैसले लेने का अधिकार ये कोर्ट को जाता है, कोर्ट उस पर देख रहा है, कोर्ट उस पर निगरानी में है, और ऐसा नहीं कि संत समाज से खतरे में हो जाएगा, हाँ आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन इसके लिए कोर्ट है, हमारा संविधान है, तो हमें अपने संविधान पर विश्वास रखना चाहिए, संविधान भी हमारे लिए बहुत माने रखता है, क्योंकि भारत में हम लोग संविधान से ही चलते हैं। ठीक है, अखिलेश यादव तो सपना देख रहे हैं सर, कि वो उन्होंने कहा भी था कि श्री कृष्ण जी उनके सपने में आए थे, उन्होंने बोला भी कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, ऐसा संभव नहीं है, अखिलेश सरकार यहाँ पे यूपी में तो कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल चांस नहीं है, 1% नहीं, योगी जी का है सरकार और बीजेपी ही आएगी, ये पूर्ण बहुमत के साथ आएगी बीजेपी, यहाँ पे कोई और सरकार आने का कोई चांस ही नहीं है, हम लोग पूर्ण योगी जी के समर्थन में है और सनातन धर्म भी समर्थन में है और सारे जितने यहाँ पे विप्रवगण बैठे हैं सभी लोग जो है योगी जी के समर्थन में है। आज सनातन धर्म, आपने सनातन धर्म की बात की इसलिए मैं सवाल उठाया, आज सनातन धर्म पे भी सवाल उठाया जाता है, कहता है ये कट्टरवादी है, ये हिंदुत्ववादी है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, योगी जी सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं, आज आपके गोरखपुर में हिंदू हुए, मुस्लिम हुए, सिख हुए, ईसाई, सारे धर्म के लोग हैं और सबको अपने साथ लेकर चल रहे हैं, सभी लोग सुखी हैं, कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है किसी को। और रही बात हिंदू और मुसलमान की बात, तो हिंदू मुसलमान गोरखपुर में भाई भाई हैं, आप कहीं भी जाइए किसी भी मुसलमान से पूछिए, सारे मुसलमान यहाँ पे खुश हैं, स्वतंत्र है, स्वतंत्र राज कर रहे हैं। तो दिन वैसे खुश नहीं है ना सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है, समस्या यहाँ से है
कि कुछ मुस्लिम ऐसे हैं, कुछ मुस्लिम नेता ऐसे हैं जो मुस्लिमों पे राज करना चाहते हैं और बिल्कुल बीजेपी के ऊपर एक से एक उंगलियां उठाना चाहते हैं, ठीक है। और रही बात जहां तक कि बीजेपी स्वतंत्र सरकार है, सारे लोग आ रहे हैं, सारे लोग जुड़ रहे हैं और सभी लोग इसमें स्वतंत्र हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं है इसमें। लेकिन क्योंकि चुनाव की बात है और हिंदू और हिंदुत्व का जो है वो कई लोग ऐसे बयान दे, राहुल गांधी ने कहा था सर कि ये हिंदू है तो हिंदुत्व की जरूरत क्या है, और अगर हिंदुत्व है तो हिंदुत्व को आतंकी संगठन से जोड़ा जाएगा, इस तरीके के बयान भी उन्होंने दिए थे, क्या कहेंगे इसको? राहुल गांधी जी के विचार को मैं बहुत ज्यादा हम लोग समझते नहीं है कुछ, क्योंकि उनका विचार हम लोग सुनना भी नहीं चाहते और वो हम लोग का सुने भी मत, क्योंकि उनका विचार हम लोग से मैच नहीं खाता है। बड़े तो हो जाए पहले, बच्चे तो बोलते रहते, उन लोग का क्या करना है, बड़े तो हो जाए थोड़ा सा। अरे ऐसा ना हो कि कहीं जो है जब आलू डाल के सोना निकाल रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, उनका क्या करना है भाई? कि हिंदुत्व की जरूरत क्या है इस देश में, जब हिंदू तो है ही वैसे। वो तो खुद यहाँ का नहीं है तो क्या कर सकते हैं? आदिकाल से आ रहा हिंदू, वो तो आदिकाल से चलता आ रहा हिंदुत्व, तो वो क्या घोषित कर रहे हैं? हिंदू आदि है, अनादि है, अनामय है, हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा, ठीक है। हिंदुत्व को मिटाने वाला कोई आज तक न पैदा लिया है और न लेगा, ठीक है। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इस हिंदू राष्ट्र में मुसलमान आते हैं? बिल्कुल आते हैं, चारों धर्म के लोग आते हैं, सभी लोग आते हैं, सभी लोग स्वतंत्र हैं यहाँ पे, बिल्कुल स्वतंत्र है। और भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ रही बात हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये सब पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। आज यहाँ पे नेता अपनी रोटी सेकने के लिए जो है तमाम तरह की चीज़ें, जात धर्म परिवर्तन, जातिवाद, ये सब चलता रहता है। धर्म परिवर्तन आज बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब एक बात बताइएगा, वसीम रिजवी जो है वो हिंदू बन गए हैं, वो आज कहते हैं कि मुस्लिम जो है वो बहुत खतरनाक होते, इसलिए मैं हिंदू बन गया, इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? इसी चीज़ को आप देख लीजिए, अगर आपको आपने जो बात कहा है मैं इस पर आ रहा हूँ, अगर हमारा सनातन धर्म अगर बुरा होता या हमारे सनातन धर्म में कमी रही होती तो वसीम रिजवी जी क्यों आते हैं यहाँ पे? सनातन धर्म उन्होंने क्यों स्वीकार किया? क्योंकि हम लोग सनातन धर्म में सबको एक बराबर एक समान दृष्टि से लेके चलते हैं। हमारे यहाँ जो आता है उसको हम लोग देवता की तरफ पूछते हैं, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव है, वरना ये अफगान और तालिबान और पाकिस्तान बन गया होता। हिंदुस्तान क्यों है? हिंदुस्तान क्यों है? हिंदुस्तान हिंदू और स्थान में मिला के, दोनों पाक और हिंदी शब्द को मिला के बना हुआ है, यहाँ पे सब एक बराबर है। वसीम जी यहाँ सनातन धर्म वैसा है, हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे ही आने से देखिए ट्रिपल तलाक का मैटर, ये बताइए किसी धर्म को लेकर रहा है? नहीं, ये तो एक स्त्री जाति के सम्मान के लिए हुआ ना, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो सिख हो। उन्होंने उन पर केस कर दिया, उन्होंने धर्म बदला, वैसी जी ने सीधे केस कर दिया। देखिए वो वैसी जी ने केस किया, अब वैसी जी ने केस किया है तो वो मामला कोर्ट में गया, ठीक है। तो यहाँ पे शरिया कानून नहीं चलता है, यहाँ ये इन हिंदुस्तान है, ये भारत है, इंडिया है, यहाँ पे संविधान है, यहाँ पे शरिया कानून नहीं है, ठीक है। इसको अफगानिस्तान ना समझ ले, पाकिस्तान ना समझ ले, यहाँ पे संविधान है, संविधान के द्वारा माननीय जो संविधान के जो हमारे पीठाधीन अधिकारी लोग होते हैं, जज होते हैं, उसको वो फैसला करेंगे, उसको देखेंगे। यहाँ पे शरिया कानून तो उनके चलाने से नहीं चलेगा ना, कि ठीक है आपने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, शरिया के तहत आपको बाहर कर दिया, ऐसे नहीं चलता है। संविधान है, भारत में है, संविधान के साथ रहेंगे, और जज हैं यहाँ पे, लॉ है यहाँ पे, कानून है, उसका कोई माने है। सर आज के वक्त में देखा जाता है उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जहाँ पर हिंदुओं के साथ मॉब लिंचिंग हुई है, या फिर क्या जाए कैराना देखा जाए तो हिंदुओं का पलायन भी हो रहा है वहाँ से, धर्म परिवर्तन की भी बात आई है, ज़्यादातर मुस्लिम चेहरे जो है वो सामने आए, इसको लेकर आप क्या कहें? जैसे पलायन किए वो वापस आ रहे हैं, आप इस चीज को देखिए ना, पलायन किए थे सरकार में, किए पलायन किए समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई है पलायन, अब महाराज योगी जी जब मुख्यमंत्री हुए तो वापसी हुई है उन लोगों का जी, है कि नहीं वापसी? अब देखिए ना, अब पलायन तो अब बता रहे लेकिन किस समय पलायन हुआ, वापसी देखिए ना योगी जी के राज में वापसी हुआ। इतनी दंगा हुआ है समाजवादी पार्टी और बसपा के सरकार में हुआ दंगा, और 5 साल में देखिए महाराज जी जब आए हैं तो 5 साल में कभी भी दंगा कहीं, 5 साल में देखिए कहीं दंगा हुआ? ये जी तो कहते हैं कि जब योगी जी खुद ही गुंडे हैं तो फिर वो तो खत्म ही होगा। अरे भाई किसी पीठ के उतरा किसी योगी नहीं, किसी योगी को आप गुंडा कह दीजिए और आम अपने आप को खुद पूरे परिवार गुंडा है तो उनको गुंडा बोलता है वो।
समाजवादी पार्टी के सारे सभी गुंडे हैं। एक मुख्यमंत्री है, पूरे यादव समाज जो है, पूरा यादव समाज मुख्यमंत्री है। एक यादव के सामने कोई गैर बिरादर बोल नहीं सकता है। जहाँ भी जाइए, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में जाइए, एक यादव मिलकर के पूरे 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 मोहल्ले को, पूरे गांव को तबाह किए रहते हैं समाजवादी किसान। आज ऐसी सरकार है, इतनी अच्छी सरकार है कि एक गरीब आदमी एक बित्ते जमीन पे अपना उगा करके जीवन यापन कर रहा है। कोई माइकरल कहने वाला नहीं है कि ये मेरा रास्ता है, तुम इस रास्ते नहीं जाओगे। यही सपा की सरकार थी जिसमें रास्ता बंद कर दिया जाता था। यही पिपराइज की घटना थी, यादव बिरादरी परेशान थी मुस्लिमों से। महाराज जी गए वहाँ पर, उन्होंने मामला मैनेज कराया। वही अखिलेश की सरकार में वही यादव लोग परेशान थे, वो लोग, उनका मामला हमारे महाराज जी ने सॉल्व कराया, जबकि सरकार अखिलेश यादव की थी। लेकिन इस बार यादव उनको वोट नहीं करेंगे क्या? करेंगे भाई, जिनकी जो विचारधारा है, जिसकी है। अब आप कह रही हैं कि यादव उनको वोट करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान मुझे वोट करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे, सिंधी हम बीजेपी को वोट करेंगे, पंजाबी वोट करेंगे। गैर मुस्लिम की बात छोड़ दीजिए, मुस्लिम इस बार बम्पर वोट से जिताएंगे। और इस बार 300 नहीं 350 वोट से, 350 सीट ला करके बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। एक बार बताइए, ओवैसी जी खाते में नहीं आएगा? अखिलेश यादव भी व्हाइट टोपी लगा के घूम रहे हैं, सफेद टोपी लगा के घूम रहे हैं कि मतलब कहीं ना ओवैसी की, ओवैसी जी की जो बात आप कर रही हैं, ओवैसी जी वहीं लड़ते हैं जो मुस्लिम बाहुल है। ओवैसी जी लोकल कैंडिडेट लड़ाते हैं, अब हैदराबाद से हैं, 8 सीटों पे लड़ते हैं, 8 से कभी 10 नहीं हुआ उनका। उनको डर नहीं होगी से? उनको डर नहीं है, उनको उनको ये है कि जो मुस्लिम वोटर बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो वापस उन ओवैसी के पास जाए, मुस्लिम वोटर जो है योगी से ना जुड़ पाए। लेकिन जो लाभ, जिनको लाभ मिला है वो योगी से जुड़ेंगे। मुझे लाभ मिला है, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने, नरेंद्र मोदी ने मेरे लिए 5 रुपए का काम किया है, तो 5 कदम मैं चलूंगा। अगर जिसने भी मेरे लिए काम किया है 5 कदम मैं चलूंगा। 1 रुपए का काम किया है योगी जी ने मेरे लिए, तो मैं 1 कदम चलूंगा। ये बात है ना, अगर आप ही बताइए, आपका मेरा मदद आपने किया या मैंने आपका मदद किया, तो आप मेरे लिए 1 कदम चलेंगी कि नहीं चलेंगी? सत्ता बिल्कुल मदद की है। आज मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, अगर जो लाभार्थी हैं यूपी के, सिर्फ लाभार्थी, मैं और किसी की बात नहीं करता, भाजपा कैडर, सपा, बसपा या जो टूट गया, मैं उनकी बात नहीं करता। मैं कहता हूँ कि यूपी के जो लाभार्थी है ना, वो अगर दे देंगे वोट योगी जी को, तो पूर्ण बहुमत नहीं, ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक, पूरे यूपी में, पूरे इंडिया में जो है। मैं बोली अखिलेश यादव भी हैं वैसे, कट्टर यादव को देख लिया सबने। अखिलेश यादव अगर इतने अच्छे होते, इतने अच्छे होते, तो आज ये नहीं कहते कि मैं ये फ्री दे दूंगा, मैं वो फ्री दे दूंगा। आप अपनी सरकार में क्या दिए? लैपटॉप घोटाला कहाँ से देंगे? जब बिजली रहेगी नहीं तो फ्री कहाँ देंगे? घोटाला दुनिया जानती है, आप मीडिया से, आपसे ज्यादा कौन जानेगा? वो एक क्या नाम है उसका, रिवर फ्रंट देख लीजिए, क्या हाल है गोमती रिवर फ्रंट का। ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बिल्कुल पीछे ही है, लेकिन देखा जाए ना, अगर अनुमान लगाया जाए तो अखिलेश यादव और बीजेपी जो है थोड़ा सा मतलब दिखाई दे रही है, एक लेवल पे दिखाई दे रही है कि दोनों के बीच, क्योंकि युवा जो है, आप भी युवा है, युवा आज अखिलेश यादव को देख रहे हैं रोजगार के नाम पर, इस पर आप क्या? देखिए, किसी के कहने से और दो चार लोगों से जुड़ जाने से, दो चार लोग जुड़ गए उनसे, तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि वो सत्ता में आ जाएंगे और महाराज जी को हरा देंगे। हाँ, दिखने जो दिखता है वो होता थोड़ी ना है, वो दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या वो जीत जाएंगे? अरे, थोड़ा प्रचार प्रसार है, महाराज जी जो हैं वो आ रहे हैं, मतलब उनकी ही सरकार बननी है। इस बार कोई आए, अखिलेश आए, मायावती आए, राहुल, इनका कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। आप कह रही है ना कि श्री कृष्ण जी आए, उसका क्या? जो श्री कृष्ण जी सपने में आए, उसका क्या सर? अरे, हम भी तो कह रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं, हमारे सपने में विष्णु भगवान आए थे और बोल रहे कि नहीं, योगी जी आपके मतलब जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं, हम उनको बना दिए हैं, 300 पार उनका इस बार ऐतिहासिक जीत होनी है उनकी, उसको इस बार उनको कोई हरा नहीं पाएगा। और अखिलेश उखिलेश कोई ऐसा कोई बात नहीं, उनके सपने अपने में कोई नहीं आया, वो ऐसे झूठे बोल रहे हैं। तो हम भी ये बात कह सकते हैं ना कि विष्णु जी हमारे सपने में आए थे और बोल रहे थे नहीं, महाराज जी की सरकार बन रही है और बन जाएगी, और अखिलेश जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। आपको लगता है अखिलेश जी झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल, ऐसे तो भगवान सबके सपने में आते हैं रोज,
और कहते हैं कि हाँ बीजेपी की सरकार बन रही है। इसके पहले नहीं आते थे कृष्ण जी? इसके पहले इनका बिजली कहाँ था? इसके पहले तो ये जो सपने दिखा रहे, ये आज कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हाँ, इसके पहले कुछ नहीं था। हंस रहे तो थोड़ा, जब मैंने क्वेश्चन हंस इसलिए रहा था कि इतने परम संत हैं अखिलेश जी कि भगवान उनको साक्षात दर्शन दे रहे हैं, तो भाई संतों और भक्तों की बात ही क्या हम करें जी। तो आ रहे हैं, आ रहे हैं, अब इससे बड़ी बात क्या होगी। ये सारी भ्रांतियां हैं, योगी सरकार आनी ये तय है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, जब समाजवादी की पार्टी थी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तब मतलब क्या संतों का क्या हाल था उस समय? देखिए, संत शुरू से क्या बोल रहे हैं तो का अगर हाल जानना है तो अयोध्या में पंचकोशी यात्रा किसने रोकी? क्या बीजेपी ने रोका था पंचकोशी यात्रा अयोध्या में? यही अखिलेश यादव थे, मंदिरों से हॉर्न लाउड स्पीकर उतारे गए, दशहरों में जो है आपका ये डीजे रोका गया, यही अखिलेश। आज कह रहे हैं कि श्री कृष्ण दर्शन दे रहे हैं, आज के पहले श्री कृष्ण दर्शन नहीं देते थे। आप यदुवंशी हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन अपनी सरकार में किस मंदिर में आप जा करके जो है एक दिन घंटा बजाया? आपने जरा एक मंदिर का नाम बता दीजिए कि आपने किस मंदिर में जाके घंटा बजाया, और कौन किस मंदिर, कितने मंदिर में आपने कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया? तो नमाज तो पढ़ेंगे उनकी, वो नाम देखिए, जिनकी जो सोच है ना, जिनकी जो सोच है उससे ऊपर आप नहीं जा पाएंगे, ना हम जा पाएंगे। हाँ, जिसकी जो एक कहा गया है ना, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन, जिसकी जो भावना है वो उसी में रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। उनकी सोच है कि बस भैया, हाँ अरे वो थे क्या नाम है, राहुल गांधी, जनेऊ धारण कर लिए, गमछा पहन लिए। आप कहाँ से हो गए भैया ब्राह्मण, कहाँ से ब्राह्मण हो गए? जिसका बाबा मुस्लिम, जिसका पिता गैर बिरादर, वो ब्राह्मण कैसे हो गया? आज ये कह रहे हैं भैया कि मैं, मुझे कृष्ण जी सपने में आते हैं, आज से पहले नहीं आते थे, आपकी सरकार में नहीं है। ये विष्णु मंदिर है, हमारे महाराज जी सांसद थे, यहाँ पे रामलीला होता है, यहाँ पे विष्णु महायज्ञ होता है। मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं थे तो हर साल आते थे, साल में दो बार आते थे, नहीं है आज मुख्यमंत्री हैं, कुछ है प्रोटोकॉल जिसकी वजह से नहीं आ पाते हैं, उनके यहाँ से कोई न कोई हर साल कोई न कोई आता है, साल में दो बार आएगा। क्यों? क्योंकि लगाव है, हिंदुत्व से लगाव है, कहने से हिंदुत्व नहीं होता है। जय श्री राम। सर एक बात बताइए, अगर संत जी हैं, संत जी, हम लोग कहते हैं जो संतों की बात ना माने वो पीछे पछताए, जिस जिस रास्ते गुजरे तिस तिस जूते खाए। अच्छा। हाँ, संत हैं, संतों के खिलाफ जो बोलेगा वो इसी तरह खाएगा, इसी तरह से होगा। चरण जी ने जो बोला था कि नाथुराम गोडसे को मैं सलाम करता हूँ, उनको जेल हो गई, क्या कहेंगे? जेल हुई है तो बेल भी होगा, जेल भी हुआ तो बेल भी हुआ, और कानून के तहत बेल हुआ, न कि शरिया के तहत बेल हुआ। आप लाभ लेते हो तो हमारे कानून की बात करते हो कि कानून में ये है, संविधान में ये है, बात कौन करता है जरा बताएंगे? ये लोग करते हैं। कौन करता है? समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, टोपी वाले नेता है, वो करते हैं। हम सारे मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, मुसलमान हमारे भाई है, क्योंकि हमारी सरकार बनेगी इस बार और इन्हीं मुसलमानों के दम पे हमारी सरकार बनेगी। हम तो जन्म से हम तो अपने दम पे हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ ओवैसी जी को इनको इसलिए लाया गया कि जो मुस्लिम समाज के वोटर बीजेपी से जुड़े हुए हैं उनको ओवैसी जी अपनी तरफ ले जाए, अगर समाजवादी पार्टी कि नहीं है वो कहाँ ले जाएंगे? वो तो वोट बैंक बताएगा, 10 तारीख को बताएगा, 10 तारीख को उनको पता चलेगा कि कितने मुस्लिम उनके साथ हैं, क्योंकि कुरान में कहा गया है नमक हरामी कभी नहीं। और मैं ये जानता हूँ कि जो कट्टर मुसलमान होगा और उसने अगर योगी जी मोदी जी से लाभ लिया है तो वो बीजेपी को वोट करेगा, 100% करेगा। जय जय श्री राम। अच्छा, राम की आपने जिक्र किया तो राम जी को लेकर भी कई सवाल उठे, राम मंदिर को लेकर कई लोगों ने कहा घोटाले बने हैं, घोटाले हुए हैं, कई लोगों ने ये भी कहा कि वहाँ बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, भाई बाबरी मस्जिद के लिए सिर्फ इतना सा जगह दे दिया। एक मिनट, अगर 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 आपने इस मंदिर में 10 रुपए का तेल खरीद के दिया है
तो आप पुजारी जी से पूछ सकते हैं कि पुजारी जी मैंने 10 रुपए का तेल और दिया आपको दिया था, आपने कहाँ जलाया मुझे बताइए। ये वो है जिन्होंने राम मंदिर के नाम पे 1 रुपए का कहीं अनुदान नहीं दिया, उल्टे अड़ंगा लगाया, इतने सालों से अटकाया रहा। तो ये हैं कौन हिसाब मांगने वाले? अगर ये दिए हो तो हिसाब लें। अभी कानून के तहत आए, RTI है, उसके लिए नियम है, कानून है भाई। आप कहते हैं कि कानून के तहत राम मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के तहत आइए, RTI के तहत आइए और हिसाब मांगिए कि कितना पैसा लग रहा है, कहां से पैसा आ रहा है। बाबरी मस्जिद भी बनाने की बात हो रही थी। बाबरी मस्जिद जहां बने के रहल, जहां बने के बा उनके दिया गईल बा, ओसे ढेर उनके ना ही मिली। उनके लगत बाकी बहुत कम जगह है। उनके 2 एकड़ जमीन के बदले 5.5 एकड़ मिलत बा। हाँ, 5.5 एकड़ कहे 5 एकड़ और मिली। अच्छा। ओसे ढेर चाहिए और मिली, वहाँ नहीं बनी, कब्बो नहीं बनी। अब कटोरा लेके विष्णु मंदिर के सामने बैठे तब्बो नहीं बनी। हाँ, यादव के दम होके तो हमें गोरखपुर में लड़ लें, आवे गोरखपुर में लड़ना अखिलेश यादव, गोरखपुर नहीं, गोरखपुर वांचल के कौनो सीटिया पे लड़के देखावे। से लड़ तो रहे हैं, करहल से लड़ करहल उनके दादा के है। करहल में यादव बाहुल बेल्ट बा, करहल में 70% यादव बाणे, 15% मुसलमान बाणे, 85% हो गई। ये मारे वहाँ लड़ते हुए आवे पूर्वांचल के कौनो सीटे पे, कहला ना गोरखपुर ग्रामीण जीत लिए, पिपराई जीत लिए, लड़ल पिपराई से, हमें गोरखपुर ग्रामीण से लड़ल। बहु स्वामी प्रसाद मौर्य गई वाणा ना, हम मौर्य हाई, राजकुमार मौर्य नाम है हमार, मौर्य नाम है हमार। आपकी बिरादरी के नेता तो चले गए सपा में। आराम, भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूँ, पिछड़ा प्रकोष्ठ का मंडल मंडल मंत्री हूँ। हाँ क्यों? क्योंकि मुझे गर्व है अपने हिंदुत्व पे, डंके की चोट पे कहता हूँ, है किसी में दम तो विकास के नाम पे लड़े। मेरे मुख्यमंत्री ने मुझे और कुछ नहीं लगा। राम मंदिर के नाम पे नहीं लड़ी क्या? लड़ेगी, मैं अपना घर बनाया हूँ तो मैं बताऊंगा नहीं कि भैया मैंने अपना घर बनाया है? कौन बताएगा बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज की पूर्ववर्ती सरकारों में आपने भी देखा होगा, मुलायम सिंह थे, उन्होंने मायावती के काम को रोका, मायावती आई मुलायम सिंह के काम को रोका, फिर अखिलेश यादव आए उन्होंने मायावती के काम को रोका। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो वीर बहादुर सिंह के रोके हुए परियोजनाओं से लेकर, वीर बहादुर सिंह आज नहीं मुख्यमंत्री थे, बहुत पहले थे, तब से लेकर आज तक की जितनी योजनाएं रुकी थी यूपी में, सारे कामों को पूरा कराते हुए आज अपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। आज विदेशों से उद्यमी लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में आने को। हाँ, टकटकी लगी पड़ी है, वो भी देख रहे हैं कि दादा कहीं ये हमारा मुख्यमंत्री चला ना जाए। मुख्यमंत्री योगी जी ही बनेंगे, लाइए लिख के दे दें और इसी विष्णु मंदिर पे मैं आपको मिलूंगा। विष्णु मंदिर मिला जाएगा सर? हाँ हाँ मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। 10 तारीख को हम लोग यहाँ को शाम को 7 बजे आपके साथ मैं यही मिठाई खाऊंगा और आपको खिलाऊंगा। 10 तारीख दीप भी जलाएंगे और मिठाई भी खाएंगे और खिलाएंगे भी। अखिलेश यादव अखिलेश अपने घर में रहेंगे, वहीं रहेंगे, वहाँ से कहीं जाएंगे भी नहीं, वो कहीं जाने लायक भी नहीं है। वो इतना जोश है कि उठ गए आप लोग हैं, उठ गए, वक्त की कमी है क्या? नहीं नहीं, सब कमी नहीं है, हमें ये लगा कि आपको जल्दी है, उठने की जल्दी नहीं है, आप बात कीजिए, रात 10 बजे तक करेंगे, क्योंकि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। पडरौना से मौर्या जी को सीट नहीं मिली है क्या, यही वजह है कि समाजवादी जिसके लिए भागे उन लड़के के लिए उनको नहीं मिला? आप बहुत अच्छे थे मौर्या जी, आपने बहुत विकास किया है। आप कहते हैं बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया, तो श्रम विभाग तो आप ही के पास था, किसी और के पास था क्या? श्रम और रोजगार मंत्रालय किसके पास था बताइए जरा, कोई है पूछने वाला? आरोप लगाते हैं बीजेपी पे कि दलितों के लिए कुछ हुआ ही नहीं है, पिछड़ी जाति के लिए कुछ हुआ ही नहीं है। योगी जी के समय में वो मंत्री थे, लूट नहीं पाए इसलिए वो भाग के चले गए दूसरे जगह लूटने के लिए। लूट लेंगे क्या? मेरे पास राशन बांटने का प्रभार है, ठीक, मेरे पास राशन आया है, उसको बांटना है और बटेगा ही नहीं, और कहेंगे कि सरकार ने राशन ही नहीं दिया तो मैं बांटूंगा? अरे प्रभार जब मेरे पास है राशन बांटने का, तो मुझे किसी से मांगने की जरूरत क्या है? गए क्यों समाजवादी में? उनको
आपने जब पडरौना में काम किया होता तो पडरौना से आप क्यों, और भी विधायक है जिनको टिकट नहीं मिली, कहीं से निर्दल लड़ते हैं, कहीं से निर्दल लड़ते हैं ना, क्यों लड़ते हैं, अपने दम पे लड़ते हैं कि भाई हमने जनता के लिए काम किया, जनता हमको वोट देगी। आप पडरौना से काम किए होते तो पडरौना से निर्दल लड़ते हैं, क्यों समाजवादी में गए? आप विकास के नाम पे भाई अपने विकास अपने दम पे लड़िए ना चुनाव। आपको समाजवादी पार्टी में जाने की जरूरत क्या थी? आप अपने बल पे अब तो चले गए सर, बीट सीटें भी नहीं मिली, मिल तो रही है पडरौना, आ जाए फिर वो जब आज सरकार नहीं बनेगी तो फिर भागे भागे इधर उधर फिरेंगे। आपसे सवाल लेने में भूल गई कि क्या क्या नाम है सर? रवि मिश्रा। बीजेपी की सरकार बन रही है? पूर्ण बहुमत से बन रही है। बिल्कुल आ रहे हैं। अखिलेश यादव कभी नहीं आएंगे, अखिलेश यादव कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। जिस तरीके से हमने तमाम संत लोग से बातचीत की और जानने की कोशिश की आखिर संत समाज की राय क्या है, तो कहीं ना कहीं जो परिणाम था वो योगी जी के सपोर्ट में ही निकला कि योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर से चुनाव लड़े और जीतेंगे। ये बात इन लोगों की तरफ से कही गई है और देखिए जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं।